सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 2023 में आई टॉप 5 एक्शन मर्डर थ्रिलर मूवीज, जो कि आप इन मूवीज को फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हो। और डाउनलोड कैसे करनी है वो मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो गाइस, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस, नंबर 5 पर मूवी आती है 2023 में आई एक्शन थ्रिलर मूवी अगिलन। फिल्म में लीड रोल निभाते नजर आएंगे प्रिया भवानी, जयम रवि, हरीश उत्मान और भी बहुत सारे एक्टर नजर आएंगे। अब बात करें इस फिल्म की स्टोरी की, तो फिल्म में एक क्रेन ऑपरेटर नंदा बंदरगाह में होने वाले अवैध व्यापारियों, जहाज और पूरी मार्केट का नेता बन जाता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन नंदा का साथी गैंगस्टर गोलू से लड़ाई हो जाती है। तो गाइस, जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो उन दोनों में लड़ाई किस बात पर होती है, क्या है पूरी कहानी, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म काफी अच्छी है। फिल्म में आपको भर भर कर एक्शन देखने को मिलेगा। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग मिली है और 60% यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है। इस फिल्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, अब नंबर 4 पर मूवी आती है 2023 में आई एक्शन थ्रिलर क्राइम मूवी क्रिस्टोफर। फिल्म में लीड रोल निभाते नजर आएंगे अमला पाउल, ऐश्वर्या राय, रश्मि ममूटी और भी बहुत सारे एक्टर नजर आएंगे। अब बात करें इस फिल्म की स्टोरी की, तो फिल्म के शुरुआत के आधे घंटे के भीतर वह एक महिला के साथ बलात्कार और हत्या करके 4 आरोपी गोली मार देते हैं। जिन गुंडों ने बलात्कार किया होता है वह हर बार जेल जाने से बच जाते हैं। फिर एक बहादुर क्रिस्टो उन आरोपियों को सजा देने के लिए एक प्लान बनाता है। तो गाइस, जिन लोगों ने बलात्कार किया था उन लोगों को सजा मिलेगी या नहीं, और क्रिस्टो का प्लान कामयाब हो पाएगा, क्या है पूरी कहानी, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 6.5 की रेटिंग मिली है और 76% यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है। इस फिल्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नंबर 3 पर मूवी आती है 2023 में एक्शन ड्रामा मूवी द फाइटर सुमन। फिल्म में लीड रोल निभाते नजर आएंगे रजनी, जैलिन गणपत, धर्मा और भी बहुत सारे एक्टर नजर आएंगे। अब बात करें इस फिल्म की स्टोरी की, तो यह फिल्म एक ट्विस्ट के साथ एक दिलचस्प प्रेम की कहानी है। एक धनी व्यापारी के बेटे सुमन को पूजा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन उसकी रहस्यमय तरीके से हत्या हो जाती है। बर्बाद होकर सुमन अपने परिवार को छोड़ देता है। फिर सुमन एक लड़की से मिलता है। सुमन को पूजा की मौत के बारे में सच्चाई का पता चलता है। यह फिल्म एक मृत्यु की एक रोमांचक यात्रा पर ले जाती है। तो गाइस, पूजा की मौत कैसे हो जाती है और सुमन पूजा की मौत का बदला ले पाएगा, पूरी कहानी जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म काफी अच्छी है। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 4.5 की रेटिंग मिली है और 70% यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है। इस फिल्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नंबर 2 पर मूवी आती है 2023 में आई एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी कतार बादशाह इंदिरा। फिल्म में लीड रोल निभाते नजर आएंगे सिद्धि, आर्या, इंदुमती और भी बहुत सारे एक्टर नजर आएंगे। अब बात करें इस फिल्म की स्टोरी की, तो फिल्म में रामानाथपुरम जिले में जहां नाना नाम का एक शक्तिशाली गैंगस्टर गांव पर कब्जा करने की कोशिश करता है। गैंगस्टर गांव पर कब्जा करने के लिए एक खुफिया प्लान भी बनाता है। कतार जो गैंगस्टर की बात सुनने को तैयार नहीं होता है और गैंगस्टर शांति को रास्ते से हटाने के लिए कई गुंडों को भेजता है। तो गाइस, क्या शक्तिशाली गैंगस्टर गांव पर कब्जा कर पाएगा और शांति गुंडों से बच पाएगा, क्या है पूरी कहानी, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 5.6 की रेटिंग मिली है और 60% यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है। इस फिल्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नंबर 1 पर मूवी आती है 2023 में आई एक्शन थ्रिलर मूवी हंट। फिल्म में लीड रोल निभाते नजर आएंगे मेका श्रीकांत, सुधीर बाबू, राजीव कुमार और भी बहुत सारे एक्टर नजर आएंगे। अब बात करें इस फिल्म की स्टोरी की, तो फिल्म में एक बहादुर पुलिस अर्जुन कई दुश्मनों का सामना करता है और उनको मार गिराता है, लेकिन एक दिन जब अर्जुन जा रहा होता है तो एक स्नाइपर अर्जुन पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से अर्जुन का एक्सीडेंट हो जाता है और अर्जुन की याददाश्त चली जाती है। याददाश्त वापस आने के लिए अर्जुन इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उन आरोपियों का पता लगाता है। तो गाइस, क्या अर्जुन उनको पकड़ पाएगा और अर्जुन की याददाश्त वापस आ पाएगी, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 5.5 की रेटिंग मिली है और 51% यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है। इस फिल्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, इन सब मूवीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और लिंक ओपन कैसे करना है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, मेरे हिसाब से इन 5 मूवीज में से सबसे अच्छी मूवीज हंट है। और गाइस, आपको कौन सी मूवी पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस, आपने अभी तक वीडियो का लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।